गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो आईटीयू के थर्ड ईयर सिविल के सिक्स सेमेस्टर में विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस सब्जेक्ट का है। उसमें जो हमारा अर्थक्वेक डिज़ाइन का पार्ट है उसमें से एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन डिज़ाइन सिस्मिक लेटरल लोड एंड स्टोरेज शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्मिक लेटरल लोड एंड स्टोरेज शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बिल्डिंग बाय यूजिंग मेथड। क्या देकर यूज करना है हमें? इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। कुछ डेटा डिटेल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टोरे 4, जोन 2। जोन 2 क्या है, जब आएगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, कॉलम्स की साइज दे रखी है, बीम की साइज दे रखी है, स्लैब थिकनेस दे रखी है, वॉल थिकनेस दे रखी है, इंपॉर्टेंस फैक्टर दे रखा है और स्ट्रक्चर ऑफ OMRS रेनफोर्स कॉन्क्रीट ऑफ बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है वो भी सॉल्यूशन करते समय जब आएगा इसका यूज तब मैं आपको बता दूंगा। प्लान दे रखा है हमें कुछ इस तरह से, हमारा बिल्डिंग का प्लान है और ये मेरा एलिवेशन है। 4 स्टोरी बिल्डिंग है ये, इसका फर्स्ट फ्लोर स्लैब, सेकंड, थर्ड और रूफ। तो इस तरह से 4 स्टोरी हो गया, G+3 4 स्टोरी। हर एक का हाइट है 3 मीटर और डायमेंशन इस तरह से 7.5 दे रखे हैं और ये मेरा कॉलम है। अब एग्जाम में क्या होता है, हमें यूज करना है अर्थक्वेक डिजाइन के लिए IS 1893 Part 1। तो एग्जाम में आपको IS कोड ले जाना अलाउड होगा, आपको IS कोड की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि फॉर्मूले याद रखने या नहीं रखने, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है पता होना चाहिए, फिर अपने आप IS कोड की हेल्प, IS कोड आपको डायरेक्ट करेगा कि कौन सी स्टेप के बाद में क्या करना है। तो एक बार मैं आपको IS कोड दिखा देता हूँ, ये हमारा IS कोड है, इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम अभी देखते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अराउंड आपको ये 10-15 मार्क्स के लिए आएगा और इसके लिए मैंने इस लेक्चर को पूरा 3 पार्ट में पाटा है, छोटे छोटे 3 पार्ट में, ठीक है। और इसको इजी करने के लिए, IS कोड से सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हमने इस पूरी प्रॉब्लम को 5 स्टेप्स में बांट रहे हैं। इस तरह से सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। कौन कौन सी, फर्स्ट है मेरा कंपटीशन ऑफ सिस्मिक वेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, थर्ड स्टेप होगी कैलकुलेशन ऑफ थर्मल सिस्मिक कोफिशेंट, फोर्थ स्टेप होगी कैलकुलेशन ऑफ बेस शेयर और लास्ट स्टेप होगी हमारी जो क्वेश्चन में पूछा है, स्टोरे नेचुरल फोर्स एंड स्टोरे शेयर फोर्स। तो अब हम स्टेप 1 में चले जाते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारी, कंपटीशन ऑफ सिस्मिक वेट। तो सिस्मिक वेट IS कोड के हिसाब से क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स में जो लिख रखा है, नोट्स में हमने क्या लिख रखा है, पेज 17 और 7.41.1 एंड 7.4.2। ये क्या है, इस यहाँ पे मैं जो इस तरह से लिखता हूँ पूरे नोट्स में, इसका मतलब ये होगा पेज नंबर 17 पे आपको क्लॉज नंबर 7.4.1 देखना है, ठीक है। तो जैसे कि IS कोड में चले गए और पेज नंबर 17 पे, एक सेकंड मैं यहाँ पे आपके लिए वो ले लेता हूँ, पेज नंबर 17 पे मुझे क्लॉज नंबर 7.4 जो है वो मेरा सिस्मिक वेट डिफाइन करता है। अब 7.4.1 और 7.4.2 आपके इस स्टेप 1 के लिए काम के हैं। क्या है देखते हैं हम, 7.4.1 क्या कहता है, सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर्स, और हमारा चल क्या रहा है, कंपटीशन ऑफ सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग। तो सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर्स IS कोड के हिसाब से क्या होता है, द सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर्स, द सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर्स इज इट्स फुल डेड लोड प्लस अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इम्पोज लोड एज स्पेसिफाइड इन 7.3.1 एंड 7.3.2। तो बेसिकली
किसी भी फ्लोर का सिस्मिक वेट क्या है, डेड लोड पूरा और इम्पोज लोड जैसा कि 7.3.1 और 7.3.2 में बताया गया है। तो हम अभी 7.3.1 और 7.3.2 में थोड़ा रुक के आएंगे जब हम इम्पोज लोड की बात करेंगे तब। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाइल कंप्यूटिंग द सिस्मिक वेट ऑफ ईच फ्लोर द वेट ऑफ कॉलम एंड वॉल इन एनी स्टोरेज शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लोर अबव एंड बिलो द स्टोरेज। इसका क्या मतलब है, जो मेरी कॉलम और वॉल है अभी हम जब लोड कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सपोज कि मेरा ये फ्लोर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये फ्लोर के लिए कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से नहीं है, ये मेरा गलत है। कोड क्या कह रहा है कि जब भी जो भी हम हमारा पॉइंट ऑफ अर्थ जब भी हमारा अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हम लोगों ने जो हमारा पढ़ा है फ्लो अप लोड फ्लो कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा स्लैब पे, स्लैब और कॉलम का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे कि पहली वाले फ्लोर के लिए कितना लोड, तो अगर कॉलम और बीम के केस में क्या होगा, कॉलम और वॉल के केस में अगर मैं फर्स्ट वाले फ्लोर की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट वाले फ्लोर की बात करता हूँ तो आधा उसके ऊपर का आधा उसके नीचे का, तो इस वाले पोर्शन की अगर इसको मैं बॉक्स बना के दिखाऊं आपको, जब मैं फर्स्ट रूफ की बात करूंगा तो मेरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, आधी वॉल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर की और आधी वॉल फर्स्ट फ्लोर के नीचे की, आधा कॉलम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का और आधा कॉलम मेरे फर्स्ट फ्लोर के नीचे का, इस तरह से लोड काउंट होगा। ये किस चीज का मतलब बताया गया आपको, इसका, while computing the seismic weight of each floor, the weight of column and wall in any story shall be equally distributed to floor above and below the story. ये मतलब है, ठीक है? फिर seismic weight of building, seismic weight of building क्या है? The seismic weight of whole building is the sum of seismic weight of all floors. तो जैसा कि मैंने आपको बताया notes में कि आपको 7.4.1 और 7.4.2 इससे क्या पता चल रहा है कि हमें हर फ्लोर का सिस्मिक वेट निकालना है, और सिस्मिक वेट हर फ्लोर का कैसे निकलेगा, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड हर फ्लोर का निकालना है, और फिर बाद में उनको ऐड कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग का सिस्मिक वेट मिल जाएगा। तो कैसे कैसे करेंगे हम, एक फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं हमारे स्केच में, अगर फ्लोर की बात करें तो स्लैब है, कॉलम है, बीम है और वॉल है। तो हम एक बार डेड लोड कैलकुलेट करते हैं फिर इम्पोज लोड पे जाएंगे, ठीक है, इम्पोज लोड या लाइव लोड। तो स्लैब, अब हम सब ये जो मैं कर रहा हूँ आपको अभी कंसंट्रेट करना है एक फ्लोर पे, एक फ्लोर पे। तो मान लो कि हम क्या ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए स्लैब, फ्लोर लेवल की बात करनी है, ठीक है। तो स्लैब, स्लैब क्या होगा, स्लैब का अगर आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है तो डेड लोड ड्यू टू सेल्फ वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। स्लैब की वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब आपकी जितना प्लान में दिख रहा है वैसे दिखेगा, तो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 कितना हुआ, 22.5 बाय 22.5, है ना, यही होगा आपका पूरा, यहां से लेके यहां तक 22.5 बाय 22.5 की स्लैब होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 22.5 मल्टीपल विद 22.5, ये तो हो गया एरिया, और स्लैब की थिकनेस क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें, स्लैब की थिकनेस दे रखी है 150 mm, तो 0.15 मल्टीपल विद आरसीसी का यूनिट वेट क्या होता है आप सबको पता ही होना चाहिए, सिविल थर्ड ईयर में आ गए हैं, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करने से मुझे क्या मिला, 18938.43 किलोन्यूटन, ठीक है। स्लैब के बाद में हमारा बीम, डेड लोड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम ले लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे कॉलम पहले कर रखा है तो कॉलम। अब कॉलम का वॉल्यूम क्या है,
एक कॉलम का वॉल्यूम क्या है मेरा, साइज क्या दे रखी है कॉलम की, 0.45 मल्टीपल विथ 0.45 मीटर, 450 बाय 450 mm, और कॉलम का हाइट क्या है, 3 मीटर, तो इसलिए हमने क्या लिया, थ्री। लेकिन अगर आप इस तरह से, अगर आपका कंसेप्ट है तो यहाँ पे रॉन्ग है। हम यहाँ पे थ्री कौन सा ले रहे हैं कॉलम का, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं। अभी आप फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हो तो ISK 7.4.1 में क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का आधा और नीचे का आधा, मतलब 1.5 यहाँ का 1.5 मीटर और यहाँ का 1.5 मीटर, ये इस तरह से 3 मीटर आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम की हाइट लेनी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये 3 है। फिर आपको गिनना है कितने कॉलम हैं टोटल, ये तो हमने एक कॉलम का वेट वॉल्यूम निकाला, टोटल कॉलम कितने हैं आपके पूरे स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो 16 कॉलम है मेरे पास, तो इसलिए 16 कॉलम का ये 16, और कॉलम भी मेरा कंक्रीट से बनता है तो यूनिट वेट 25, और इस तरीके से मेरा 242.88 किलो न्यूटन यहाँ पर भी आया। अब बीम, बीम का सेल्फ वेट कितना, बीम की साइज क्या दे रखी है आपको, 250 बाय 400 mm, तो 0.25 बाय 0.40 मीटर, और एक बीम की लेंथ कितनी है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, 7.5 मीटर, सो 7.5 मीटर। अब आप गिनो कि टोटल बीम कितने हैं मेरे पास, हमको टोटल बीम गिने क्योंकि हमने एक का ही किया अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24, therefore 24 beam और 25 मेरा unit weight of concrete, तो आया मेरा 450 kilonewton। अब wall का क्या होगा, wall में भी same जैसा column में था, आधा ऊपर का आधा नीचे का, तो वॉल की हाइट क्या होगी मेरी, 3। वॉल की थिकनेस कितनी दे रखी है आपको, वॉल थिकनेस 0.12, ठीक है, तो 0.12 मेरी वॉल की थिकनेस, और वॉल की लेंथ कितनी होगी, वॉल मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट सेकंड के बीच में, तो 7.5 मल्टीपल विथ वॉल कितनी है मेरे पास, जितने मेरे बीम है 24, और लास्ट में मल्टीपल विथ 20, ये 20 क्या है मेरा, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मेजनरी, जिसको हम 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं। वॉल किससे बनती है आपकी, ब्रिक मेजनरी से, नहीं दे रखा है, हो सकता है किसी और चीज़ से भी बनी हो, लेकिन जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तब तक हमारी वॉल ब्रिक मेजनरी से हमको एज्यूम करनी है। तो वॉल का कितना आ गया मेरा, 1218.24 किलो न्यूटन। इस तरह से हमने डेड लोड कैलकुलेट कर लिया आज, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम अगले लेक्चर में लाइव लोड को कैलकुलेट करके स्टेप वन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।